awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalay. I am Naina and I make videos related to classes 9 to 12 for mathematics. So let's start our today's topic, which is related to class 10th and exercises 8.1. इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 की इंट्रोडक्शन की है एंड वी हैव सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1. सो इफ यू हैव नॉट सीन माय दैट वीडियो, सो प्लीज सी दैट वीडियो सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है उन्होंने, गिवन द सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, राइट? अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? साइन, कोस, टैन, कॉसेक, सीकेंट एंड कॉट. यही क्यों होती हैं, छह ही क्यों होती हैं, मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? देन हमारे पास टेबल क्या होती है, पी बी पी एच एच एंड बी. सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 13/12. तो सीकेंट थीटा का क्या मतलब, हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस. यानी कि हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12. यानी कि ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज और ये क्या है मेरा बेस. देन हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड चाहिए होगी, जो कि क्या है हमारी परपेंडिकुलर, जो हम कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने निकाला, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपको दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 13 स्क्वायर, राइट? दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने निकालना है, प्लस बेस कितना है मेरा, बेस आप देख रहे हो, बेस कितना है यहाँ से मेरा 12 स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज इट विल बिकम 13 स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 144. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से 144 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 units, राइट? तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 5 units. देन बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं. सबसे पहले साइन की बात करते हैं. साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, सॉरी ये हमारा क्या निकला था, परपेंडिकुलर, राइट? दिस वॉज आवर परपेंडिकुलर. सो प्रपेंडिकुलर कितना था हमारा 5, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13, राइट? इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है हमारे पास 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है 13, राइट? इसी तरह से जो है आप बाकी के 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी खुद से निकाल सकते हैं. टैन थीटा क्या होगा, प्रपेंडिकुलर बाय बेस. कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय प्रपेंडिकुलर. सीकेंट थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज बाय बेस. एंड कॉट थीटा विल बी बेस बाय प्रपेंडिकुलर, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. यही सेम क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था. एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से था, इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल टू साइन बी देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. तो हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या था, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, हमें एंगल ए और एंगल बी प्रूव करना था. अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी. तो लेट सी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो देन जैसे कि आपको पता है कि हम साथ साथ ये भी सीखते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर. सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 6, एंड देन सेकेंड लाइन में आप एक हेडिंग लगाएंगे गिवन, और गिवन क्या है आपको, इफ़ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉज ए इज इक्वल टू कॉज
बी देन थर्ड लाइन में आप लगाएंगे टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम ऐसे ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, प्लस जो दो एंगल्स होंगे वो दो एंगल्स हमारे कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स, और थर्ड एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देन अब हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो लेट अस सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दिस एंड दिस, इसका नाम क्या है हमारा एडीसी एंड इसका नाम क्या है हमारा बीईएफ। दोनों के दोनों के पास ये ए और बी कैसे एंगल्स हैं, हमारे एक्यूट एंगल्स। तो अगर ये एंगल की हम बात कर रहे हैं तो ये मेरा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, एंड दिस विल बी माय हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल के लिए ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी माय हाइपोटेन्यूस। तो अब इस वाले ट्राइंगल से अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस ए कितना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है मेरा ए डी और हाइपोटेन्यूस कितनी है मेरी ए सी। तो यानी कि दिस विल बी ए डी बाय ए सी, राइट। दिस इज इक्वल टू कॉस बी। बी के लिए हमारे पास क्या है, बेस कितना है बी ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितनी है मेरी बी एफ, राइट। तो लेट अस सपोज कि जो ये रेशियो है हमारी, ये रेशियो हमारी किसके इक्वल है, के के इक्वल, एंड लेट अस सपोज कि इसको हमने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर वन, राइट। नाउ अब हमारे पास क्या हो सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम, अभी हमारे पास क्या है, रेशियो उसी ट्राइंगल की साइड्स की, अब हम रेशियो निकाल रहे हैं दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। तो क्या हो जाएगी, ए डी बाय ये बी ई इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू ए सी ऊपर चला जाएगा, ए सी बाय बी एफ इज इक्वल टू के। अब आप देख रहे हो दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया, ए डी इसकी और बी ई इसकी, ए सी इसकी और बी एफ इसकी। सो देन ये भी के बराबर है, एक बार इसको के बराबर ले लेते हैं जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में किया था, सेम वही काम हम यहाँ पर करें। ए डी इज इक्वल टू ए डी बाय बी ई इज इक्वल टू के, ये इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए डी विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी ई। इसी तरह से ए सी बाय बी एफ, ए सी बाय बी एफ जो है वो भी किसके बराबर होगा मेरा, के बराबर। देन यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ए सी विल बी इक्वल टू के बी एफ, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है सपोज, एंड लेट अस सपोज ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है, थ्री है। अब आप देख रहे हो कि दो साइड्स की तो रेशियो है मेरे पास, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, बट थर्ड साइड जो कि हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की रेशियो नहीं है। तो हम परपेंडिकुलर की भी रेशियो निकाल लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स की आपस में, परपेंडिकुलर की क्या रेशियो होगी। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है मेरा डी सी डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास ई एफ, राइट। अब हमारे पास क्या हो सकता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, डी सी की वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके, डी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी दूसरे वाले के लिए, ई एफ की वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है मेरे पास बी एफ स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस क्या है मेरा बी ई स्क्वायर। और ये सारा काम हम कहाँ से कर रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, क्लियर। सो देन इसके बाद आपको दिख रहा है ए सी की वैल्यू क्या है हमारी के बी एफ। तो यहाँ पर हम जो है अपनी ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए सी की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी के बी एफ, और इस पूरे का क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए सी का स्क्वायर लगा हुआ है। देन माइनस ए डी, ए डी कितनी है मेरी के बी ई और इसका पूरे का स्क्वायर, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर,
ठीक है। सो देन नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हो यहाँ से के स्क्वायर और यहाँ से भी के का स्क्वायर जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस माइनस क्या, बी ई स्क्वायर, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, राइट। सो देन यहाँ पर क्या आ सकता है, अंडर रूट से इस वाली टर्म से ये टर्म कट जाएगी एंड दिस के स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या बच जाएगा, सिर्फ के। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर फोर, राइट। सो अब आप देख रहे हो कि इस फर्स्ट इक्वेशन से और फोर्थ इक्वेशन से दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो बराबर आ रही है किसके, के के। तो अगर ऐसा हो जाए कि दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाए तो हमारे पास क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ट्राइंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रेंट विद द ट्राइंगल ई बी सी। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सी पी सी टी एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल बी के बराबर, दिस विल बी बाय सी पी सी टी, राइट। देन नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया है उन्होंने, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको देख के जितना बड़ा लग रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, हमने अभी तक सीखा कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस पर प्रपेंडिकुलर, यानी कि मुझे बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और प्रपेंडिकुलर कितना दिया है 8। मुझे कहां क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा के लिए भी क्या चाहिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि बेसिकली मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना आता है किससे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक बार अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम हाइपोटेन्यूज निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू प्रपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। प्रपेंडिकुलर कितना है मेरा 8 स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा 7 स्क्वायर। सो दिस विल बी 8 स्क्वायर विल बी 64 प्लस 7 स्क्वायर विल बी 49। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, देन हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113। सो देन नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, दस साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा कितना होता है मेरे पास, प्रपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो प्रपेंडिकुलर कितना है आपको दिख रहा है 8 और हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली है हमने, अंडर रूट ऑफ 113। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट ऑफ 113, राइट। देन सिंपली आपको वहां पर अपनी वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो हमारे पास वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 बाय अंडर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8 बाय अंडर रूट ऑफ 113। यहां से भी क्या आ जाने वाला है, 1 प्लस 7 बाय अंडर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, राइट। सो अब आप देख रहे हो कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि हमें क्या करना है, ए स्क्वायर a कितना है 1 माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा पार्ट मेरा b है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113। ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 113। एंड इसके बाद आई होप आप एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन आंसर एट द लास्ट ऑफ योर क्वेश्चन बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू प्लस हाफ मार्क्स इन योर एग्जाम,
राइट। तो इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालनी है, वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 7/8, और उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 7² = 49 एंड 8² = 64। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, If 3 cot A = 4, check whether this is equal to cos² A - sin² A। तो आप देख रहे हो कि फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया था, सिर्फ वही आपको वही पेपर में गिवन में क्या लिखना है, ये वाला पूरा पार्ट हमारा किसका हो जाएगा, गिवन का, एंड टू प्रूफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, एंड देन हमारे पास जो है नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखने वाले हैं इसमें, सॉल्यूशन, राइट। तो क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है 3 cot A = 4। तो अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक स्टेप ट्विस्ट किया है, कैसे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो अगेन ये हमारा वही पिछला क्वेश्चन बन गया कि cot थीटा कितना होता है हमारा, बेस बाय प्रपेंडिकुलर। तो बेस और प्रपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू प्रपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास कितना आने वाला है, प्रपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3² प्लस बेस कितना है हमारे पास 4² यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 3² = 9 एंड 4² = 16। 9 + 16 = 25। सिमिलरली तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर 25 है तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। अब हाइपोटेन्यूज आ गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा। सो tan A विल बी इक्वल टू व्हाट, tan A का फॉर्मूला क्या है, प्रपेंडिकुलर बाय बेस। तो प्रपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 और बेस कितना है हमारे पास 4। ठीक है, सिंपली आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, देन इधर वाली साइड पे राइट हैंड साइड पर cos A कितना है हमारे पास, cos कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली है हमने 5। इसी तरह से साइन थीटा, साइन A कितना होता है हमारे पास, प्रपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, प्रपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली है हमने 5। देन सिंपली आप ये वाली वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो आपका जो है वो आंसर दोनों का इक्वल आ जाएगा, राइट। सो एड योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स फॉर दिस क्वेश्चन, दैट आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। In the next video, we will move on with the further questions of exercise 8.1. If you like my this video, please like and share my video and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of videos. Thank you.